तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कश्मीर के मुसलमानों के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, अमरीका पर बोला बड़ा हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब पहनने वाली लड़कियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, अन भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी मोदी सरकार, संसद में भाजपा ने पेश किया विधेयक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे भाजपा के सांसद, ओवैसी पर हमले को बीजेपी सांसदों ने बताया गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तराखंड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा आज कोई पीएम नहीं बल्कि राजा चला रहा है देश, जो नहीं सुनता है किसी की। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर केसीआर ने की बेइज्जती, मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे सीएम केसीआर, भाजपा ने बताया संविधान का अपमान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर के मुसलमानों के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, अमरीका पर बोला बड़ा हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर के मुसलमानों के समर्थन में एक बार फिर से खुलकर पाकिस्तान उतर आया है और पाकिस्तान ने कश्मीर के मुसलमानों की आवाज उठाते हुए अमरीका सहित पश्चिमी देशों पर आज बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सिंजियांग के मुसलमानों पर बोलना और कश्मीर के मुसलमानों पर चुप रहना पश्चिमी देश सहित अमरीका के डबल स्टैंड को दर्शाता है। इसी के साथ उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर पश्चिमी की चुनिंदा चुप्पी और उसके बहरेपन को दर्शाता है, क्योंकि पश्चिमी देश चीन के सिंजियांग में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने की तो बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में जो मुसलमानों पर हो रहा है, जो कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर चुप रहते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान चीन के पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि हमारे लिए बात हजम करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग चीन के मुसलमानों के समर्थन में उतरकर दुनिया में आवाज चीन के खिलाफ उठाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और अमरीका सहित पश्चिमी देश इस पर आवाज नहीं उठाते, इसलिए हम अमरीका सहित पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं और ये बात हमें हजम नहीं होती है कि आखिरकार क्यों ये कश्मीर के मुसलमानों के लिए बोलने से कतराते हैं। तो ये बड़ा हमला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, अन भक्तों को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी में पिछले दिनों एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने वाली छात्राओं के कक्षाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को एक और कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के सिर पर हिजाब पहनने पर बैन स्कूल ने लगा दिया, इसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का समर्थन किया है। दरअसल आपको दादे की मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वह भेद नहीं करती। बता दे कि गुरुवार को उडुपी के कुंडापुर इलाके में सरकारी पीयू कॉलेज में सिर पर छात्रा हिजाब पहनकर कॉलेज में गई थी, लेकिन कॉलेज ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार यही तनाव बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के चीफ ने कहा है कि अगर मुस्लिम छात्राओं को पढ़ाई करनी है तो तालिबानीकरण को छोड़ना होगा और स्कूल की ड्रेस में स्कूल में आना होगा, नहीं तो किसी भी कीमत पर उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतरे भाजपा सांसद, हमले को बताया गलत। जी दोस्तों आपको बता दे ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हमला किया गया था। इस हमले के बाद अब बीजेपी सांसद असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में उतर आए हैं और हमले की कड़ी निंदा बीजेपी सांसदों ने की है। दरअसल आपको बता दे कि अपने बयानों और तर्कों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो खुलखरी ओवैसी के समर्थन में उतर आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी पर हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा कि तर्क परंपरा में विश्वास न करने वाले कट्टरपंथी ही केवल सांसद और असदुद्दीन ओवैसी की हत्या कराना चाहते हैं। ओवैसी भले ही राष्ट्रवादी न हो मगर वे देशभक्त जरूर हैं। अंतर केवल यह है कि ओवैसी हमारे देश की रक्षा करेंगे, लेकिन वह ये नहीं मानते कि हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है। हमें उनके मुखर तर्कों का सामना करना चाहिए, न कि लोगों को बर्बरता पर उतरना आना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भी ओवैसी पर यह हमला किया है वो कायर लोग हैं और ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा सांसद भी अब ओवैसी के समर्थन में उतर आए हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर केसीआर ने की बेइज्जती, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुंचे सीएम केसीआर। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की खूब बेइज्जती हैदराबाद में की गई है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के दौरे पर थे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे थे, लेकिन आपको बता दें कि हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर तेलंगाना के सीएम केसीआर नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी ने संविधान का अपमान इसे बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जब बजट पेश किया गया था तब भी केसीआर ने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपने पहनावे को देखा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा वालों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर हैदराबाद पहुंचेंगे तो तेलंगाना के सीएम केसीआर उनका गर्मजोशी से स्वागत करने आएंगे और गोदी मीडिया जमकर उनकी तस्वीर दिखाएगा, लेकिन आपको बता दें कि केसीआर उन्हें लेने ही एयरपोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद भाजपा नाराज हो गई और भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दे, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून लेकर आने के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार जल्दी देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आ सकती है, इसके भाजपा ने आज संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि पर चिंता जताते हुए राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश सिन्हा ने एक निजी विधेयक पेश करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि आबादी को नियंत्रित अभी नहीं किया गया तो 30 साल बाद सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भारत में हमारे पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी भारत में लागू होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हिंदू संगठन सहित भाजपा के भी कई नेता लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी लागू कर सकती। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस से चरणजीत सिंह चन्नी होंगे सीएम चेहरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, प्रचार के पोस्टर होर्डिंग तैयार कर लिए गए हैं। चन्नी के 111 दिनों के कामकाज 13 अहम फैसले के साथ कांग्रेस पार्टी का पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। चन्नी के पोस्टर होर्डिंग प्रचार सामग्री पंजाब के 117 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया है। बीते कई दिनों से नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के नामों को लेकर पार्टी के अंदर घमासान बरकरार था। इस बीच कांग्रेस ने अपने पोस्टर के जरिए चन्नी के नाम पर मोहर लगा दी है, यानी पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी का सीएम चेहरा होगा वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी पर बरसे राहुल गांधी, बोले आज का राजा नहीं किसी की सुनता नरेंद्र मोदी पीएम नहीं राजा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा मंडी में किसानों को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए की सरकार में भारत को देश के प्रधानमंत्री चला रहे थे, लेकिन आज एक राजा भारत को चला रहा है जो किसी की नहीं सुनता और केवल फैसले लेता है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि एक पीएम को सबके लिए काम करना चाहिए, लोगों की बात सुने। नरेंद्र मोदी जी पीएम नहीं बल्कि बादशाह है। उन्होंने लगभग एक साल तक किसानों की उपेक्षा की क्योंकि एक राजा मजदूरों की बात नहीं करता और ना ही सुनता है और उनके लिए अपना निर्णय लेता है। राहुल गांधी 11 बजे पहुंचने वाले थे लेकिन 2 घंटे देरी से पहुंचे और देरी के चलते ही प्रधानमंत्री मोदी पर ये बड़े हमले, राहुल गांधी ने बोले। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट सदस्य को सौंपी। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनाव की उम्मीद है। परिसीमन आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 5 एसोसिएट सदस्यों को सौंप दी है। अब उनसे इस पर सुझाव और सलाह आमंत्रित किया गया है। इसके लिए उन्हें 14 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट के फाइनल प्रारूप पर आम जनता से सुझाव सलाह और आपत्तियां मांगी जाएंगी। फिर इसके आधार पर आयोग अंतिम रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपेगा। आयोग का कार्यकाल 6 मार्च 2022 तक है, यानी इससे पहले रिपोर्ट सौंप दी जाए तो ठीक है, नहीं तो कार्यकाल को एक और बार बढ़ाना होगा। लेकिन ये तो तय है कि ऐसी नौबत आई थी तो परिसीमन आयोग का कार्यकाल अब आखिरी बार अधिकतम 3 महीने से ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में जल्दी विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में हर की पौड़ी पर राहुल गांधी ने की गंगा आरती, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद, तस्वीरें वायरल। यह दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार में भगत सिंह चौक स्थित जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर में वर्चुअल रैली करने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हर की पैड़ी में गंगा आरती की। वही आपको बता दें कि इससे पहले उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित मंडी परिसर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया था। वही आपको बता दें कि संबोधन करने के बाद राहुल गांधी ने यहां पर पूजा अर्चना की
और इनकी फोटो काफी वायरल हो रही है, जिसके बाद भाजपा की नींदें हराम हो गई है, क्योंकि भाजपा लगातार गांधी परिवार को हिंदू विरोधी बताता रहता है और हिंदुओं के वोट इसी नाम पर लेता रहता है। लेकिन राहुल गांधी ने भी बीजेपी की स्थिति अपनाई है और जो बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के नेता पूजा पाठ करते हैं रैलियों में, उसी तरह से अब राहुल गांधी भी करने लगे हैं, जिससे भाजपा काफी परेशान है। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल